झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम कक्षा दसवीं के लिए स्पर्श पाठ्य पुस्तक से लीलाधर मंडलोई जी की एक कहानी का सारांश बताने जा रहे हैं। शीर्षक है ततारा वामीरो कथा। तो चलिए शुरू करते हैं ततारा वामीरो कथा का सारांश। लोक कथाओं में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत सी लोक कथाएं प्रचलित हैं और वहीं से एक लोक कथा मंडलोई जी ने उसे हिंदी भाषा में अपनी शैली से लिख करके प्रस्तुत किया है। तो आप भी जरा उसके बारे में जान लीजिए। ततारा वामीरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप की प्रेम कथा है। ततारा एक वीर और सहयोगी नौजवान है, जैसे कि तमाम प्रेम करने वाले नौजवान होते हैं। वह एक दिन वामीरो को देखता है जो बेहद मीठे सुर में गीत गा रही थी। वह उसके अपरिमित सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। वामीरो उसे चेतावनी देती है कि वह एक दूसरे गांव का नौजवान है, इसलिए उनका आपस में बात करना उचित नहीं है। पर ततारा पर इस बात का कोई असर ही नहीं होता। वह लगातार उससे सवाल करता रहता है, यहां तक कि उसका नाम भी पूछ लेता है। जब वामीरो जाने लगती है तब वह उससे दूसरे दिन भी उसी जगह पर मिलने के लिए आने का इशारा करता है। वामीरो इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। उसके चले जाने पर भी ततारा चिल्लाकर कहता है कि वह अगले दिन इसी जगह पर उसका इंतजार करेगा। वामीरो वहां से भाग तो आई, पर वह अपने हृदय में एक व्याकुलता वहां से ले आई थी। वह बहुत देर तक असमंजस में पड़ी रही। मुझे क्या करना चाहिए, जाऊं न जाऊं? एक पराए गांव का नौजवान और दो गांवों के नौजवान और लड़कियों के बीच में बातचीत होने का कोई सिलसिला, कोई परंपरा, कोई रीति है ही नहीं। ऐसे में वो क्या करे? और हार कर उसने आखिर में फैसला लिया कि वह वहां जाएगी। और तब वह वहां जा पहुंची जहां पर ततारा अपने वादे के मुताबिक उसका इंतजार कर रहा था। और एक बार इस तरह से जब मुलाकात शुरू हुई तो फिर सिलसिला बंद नहीं हुआ। वह लगातार उससे मिलती रही, दोनों छुप छुप कर उस द्वीप में कई जगहों पर मुलाकातें करते रहे। अब मुलाकातें करते रहने भर से बात चलती नहीं है, ऐसी मुलाकातों के किस्से और खबरें फैलने में देर नहीं लगती। लिहाजा ततारा और वामीरो के मेल और प्रेम के किस्से गांव में पहुंचने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि पासा गांव में पशु मेले का आयोजन हुआ। ये पासा गांव वही था जहां पर वामीरो रहती है। उस मेले में ततारा भी गया। वामीरो को जब मालूम पड़ा कि पशु मेले में ततारा आया हुआ है तो वह भी एक सुरक्षित और ऐसे स्थान से छुपकर उसे देखने लगी जहां कोई और उसे देखता हुआ न देखे। दोनों की निगाहें मिली और तब वह वामीरो उसे देखकर रोने लगी। तभी वामीरो की मां वहां पहुंच गई और उसने ततारा को बहुत अपमानित किया। गांव वाले भी विरोध में चिल्लाने लगे। तब ततारा उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसके अंदर एक उबाल फूट पड़ा, एक ज्वालामुखी फूट पड़ा। ऐसा सार्वजनिक अपमान उसने इसके पहले कभी सहा नहीं था। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आई नहीं थी। वह तो सहयोगी था, वीर था,
लोगों की मदद करता था, सब उसे चाहते थे, फिर इस तरह का ऐसा घोर अपमान वह अपने अंदर ज्वालामुखियों के फटने के, लावे के जलने के एहसास से तिलमिला गया। तब उसने लकड़ी की एक तलवार निकाली। लकड़ी की तलवार यानी एक फैंटेसी, और उसने उसको जमीन के अंदर घुसेड़ दिया और फिर उस तलवार को इतनी ताकत से उसने खींचा कि एक लंबी रेखा खिंचती चली गई और जमीन दो भागों में बट गई। वामीरों का गांव उस तरफ और ततारा का गांव इस तरफ, और बीच में एक लंबी चौड़ी खाई। इससे वह पूरा द्वीप दो भागों में बट गया। स्वयं ततारा धरती के कटे हुए एक हिस्से में गिरकर समुद्र में समा गया। ततारा ने इस तरह अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी, अपने प्राण दे दिए। उसने अपमान भी नहीं सहा और प्रेम का वियोग भी सहने को वो तैयार नहीं हुआ। वामीरों उस स्थान पर रोज जाया करती, वहां घंटों चुपचाप बैठी रहती। वह पागल सी हो गई थी, विक्षिप्त अवस्था में आ गई थी। क्यों? उसे जो सबसे ज्यादा प्यार करता था इस संसार में, वो उसे छोड़कर इस दुनिया से ही चला गया था। फिर एक दिन वह भी न जाने कहां गायब हो गई। इस तरह दो प्रेमियों ने अपने आप को प्रेम के लिए कुर्बान कर दिया। इस घटना का गांव वालों पर बहुत असर पड़ा। उन्होंने पुनर्विचार किया अपनी परंपरा पर, अपने नियमों पर, अपने विधान पर, कि दो गांवों के लड़के लड़कियां आपस में मिल नहीं सकते, उनकी शादियां नहीं हो सकती, विवाह नहीं हो सकता, क्या ये ठीक है? और अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य, कोई भी नौजवान संसार की किसी भी दूसरी स्त्री से प्रेम कर सकता है, विवाह कर सकता है, दोनों के हृदयों में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो सकता है। और तब दोनों द्वीपों के लोग आपस में बैठे, उन्होंने विचार किया और उस दिन से अपने उस नियम को उन्होंने खारिज कर दिया कि दोनों गांव के बीच के लड़के लड़कियों के मध्य विवाह का रिश्ता नहीं होगा, और उस दिन से विवाह होने लगे। इस तरह ततारा वामीरों ने अपना बलिदान करके गांव वालों की रूढ़ी को मिटा दिया। यही वह कारण है कि इस जोड़े को आज भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग बड़े गर्व के साथ और बहुत श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो यह था लीलाधर मंडलोई जी की गद्य रचना ततारा वामीरों कथा का सारांश। आपसे हमारा अनुरोध है कि कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।